नमस्कार YouTube फैमिली, मैं हवलदार सुभाष फिर से एक न्यू एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से काफ़ी कमेंट्स आ रही है कि कौड़ी गठान का इस्तेमाल करके डबल चाफे की मोरी किस तरह से तैयार करनी वो हमें सिखाइए। तो आज के एपिसोड में हम कौड़ी गठान का इस्तेमाल करके, वैसे कौड़ी गठान को इंग्लिश में रिफ नट या स्क्वेयर नट भी कहा जाता है, तो इस गठान का इस्तेमाल करके डबल चाफे की मोरी किस तरह से तैयार करनी वो सीखेंगे। वैसे पहले भी हमने बहुत सारे एपिसोड के अंदर अलग अलग डिज़ाइन की या फिर अलग अलग जानवरों के लिए मोरियाँ किस तरह से तैयार करनी वो सीखा हुआ है। आप लोगों ने एपिसोड 100% देखे भी होंगे और जिन भाइयों ने नहीं देखे उनके लिए ऊपर देखिए राइट कॉर्नर में एपिसोड की लिंक दे रखी है या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन, दोनों जगह लिंक दे रखी है, आप जाकर अवश्य एक बार देख लीजिए, सीख लीजिए। तो चलिए एपिसोड में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं डबल चाफे की मोरी वो भी कौड़ी गठान का इस्तेमाल करके किस तरह से तैयार करनी है। तो देखिए दोस्तों, मोहरी या मोरखी तैयार करने के लिए हमें लगभग 20 फीट लंबी और 10 से लेकर 12 mm मोटे रस्सी की आवश्यकता पड़ेगी। अब रस्सी किसी भी प्रकार की हो सकती है, जो भी आपको लोकल मार्केट में रस्सी अवेलेबल हो जाए या फिर जो भी आपके घर में उसकी आप मोहरी बना सकते हो। पर आजकल क्या है, मार्केट में इस टाइप की रस्सियां काफी ट्रेंड में है, काफी चल रही है, क्योंकि दाम भी सस्ता है और लचीली, मुलायम और टिकाऊ भी है। तो आप इस टाइप की रस्सी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब करना कैसे, ध्यान से देखिए, वीडियो बढ़िया से समझ में आ जाए और मोहरी किस तरह से तैयार करनी ये आपको बढ़िया से समझ में आ जाए, इसलिए हम उसको स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो वीडियो को स्किप ना करें, जंप ना करें, वीडियो को आखिर तक देखते रहे। तो चलिए कैसे करना है। सबसे पहले 20 फीट लंबे रस्सी को इस तरह से डबल कर लेना है। डबल करने के बाद हमेशा की तरह जिस तरफ रस्सी का ये वाला हिस्सा आएगा, इस तरफ लगाएंगे चार सिरे वाले गठान। दोस्तों, चार सिरे वाले गठान इसके पहले भी हमने बहुत बार सीखी है, बहुत बार देखा हुआ है, फिर भी रिमाइंडर के तौर पे और एक बार देख लीजिए, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ वीडियो को स्किप ना करें, जंप ना करें। तो करना क्या है, रस्सी को अंदाजन आगे छोड़ देना है। ऐसे छोड़ने के बाद पकड़ने का तरीका ये रहेगा, आगे वाला हिस्सा अंगूठे के अंदर, पीछे वाला हिस्सा छोटी उंगली के अंदर, ठीक है। अब जो पीछे वाले हिस्से, इनसे हम रस्सी को खिसकाते हुए यहाँ और दो सिरे बनाएंगे। कैसे, इस रस्सी को पकड़ा और इस उंगली के बीच में से इस तरफ खींच दिया, ठीक है, एक खींच दिया। अब इस रस्सी को यहाँ से पकड़ना है और इस तरफ ऐसे खींच देना है। तो आप देख सकते हो एक रस्सी के हमने यहाँ चार सिरे बना दिए। चार सिरे बनने के बाद इन चारों को आपस में लॉक करना है। ध्यान से देखिए, तो सबसे पहले आगे वाला सिरा उठाती है ये वाला, इसको उठाना है, इसके ऊपर से यहाँ डालना है कुछ ऐसे, ठीक है, डाल दिया। इसी तरह से इसको उठाना है, इसके ऊपर से आगे डाल देना है ऐसे, ठीक है, ये डल गया। ये होने के बाद अब इसको पकड़ते हैं इन दोनों के ऊपर से और इसके नीचे से डालते हैं, इन दोनों के ऊपर से और इसके नीचे से ऐसे कर दिया, ठीक है। ये ध्यान से देखिए, अब बचा सबसे आखिरी वाला हिस्सा, ये वाला, इसको उठाना है इन दोनों के ऊपर से और यहाँ से डालना, जो मेरी उंगली फंसी इसके अंदर डालना है और आगे निकाल देना है। तो यहाँ से दोनों को उठाया और आगे निकाल दिया। अब उंगलियों को करते हैं साइड और गठन को करते हैं हमेशा की तरह टाइट। गठन को पहले ज़्यादा टाइट नहीं करना है, इस तरह से खींच के उसको एक नॉर्मल आकार देना है जिससे हमें गठन समझ में आ जाए, ठीक है दोस्तों। ये तो आप देख सकते हो चार सिरे वाले गठान बन चुकी है। अब इसको करना है पलटी, तो ऐसे पलटी कर दिया। पलटी करने के बाद ध्यान से सुनिए, करना क्या है, तीन जो सिरे हैं ये लॉक है, देखिए सामने से बंद है, ये भी बंद है, ये खुला हुआ है, मतलब ये रस्सी अभी लंबी है। तो लंबे रस्सी को बाएं तरफ इस टाइप से पकड़ लेना है, पकड़ने के बाद एक सिरा ये और एक सिरा ये, ऐसे तीन सिरे पकड़ लेने, ठीक है, एक सिरा आगे छोड़ देना है। ये अब तीनों को क्या करना है, पहले तो रखना है साइड में और जो आगे वाला सिरा है इसको लगभग 1 से 1.5 फीट लंबाई तक बढ़ाना है। ये सिरा कहा जाएगा, जो भी जानवर को आप मोरी मोरखी बांधोगे तो कान के नीचे तरफ से गर्दन के ऊपर जो जाता है हिस्सा, वो हिस्सा ये वाला है। तो आप इसको अपने हिसाब से छोटा या बड़ा कर सकते हो, फिलहाल मैं इसको थोड़ा बड़ा कर दूंगा। तो बड़ा कहाँ से होगा, तो ये जो रस्सी है इसको देखना है कौन सी रस्सी घूम के यहाँ जाती है। तो मैंने देख लिया ये जो रस्सी ये वाली यहाँ से घूमती है और आगे निकल जाते, देखिए इसको बड़ा करना है यहाँ से और यहाँ से खींचना है। आप देख सकते हो खींच के मैंने इसको बड़ा कर दिया और हल्का बड़ा कर लेते हैं। तो आपने भी इसी तरह से ध्यान देकर मोहरी बनाने, ठीक है। ये हो गया तीनों में ये सबसे बड़ा होगा, इसको करते हैं सामने तरफ से। अब क्या करना है, जिस जानवर को आप बना रहे हो, जिसके लिए बना रहे हो, उसकी साइज लेनी है। पहले हो सकता है कि एक बार ढीली बन जाए या फिर टाइट बन जाए, तो आप दोबारा उसको खिसका कर छोटी या बड़ी कर सकते हो। तो मैं एक, मेरा मकसद है आपको किस तरह से तैयार करना वो सिखाना, साइज का कोई इशू नहीं है, आप अपने जानवर के हिसाब से बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पकड़ लेना है बीच वाला हिस्सा और दोनों हिस्से इस टाइप से पकड़ लेने ऐसे, ठीक है। ये पकड़ लिया मैंने, पकड़ने के बाद ये हिस्सा इसके बराबर आना चाहिए, दूसरा हिस्सा तो इसके बराबर आ ही जाए क्योंकि ये लंबा है। तो ये हिस्से को आप थोड़ा बढ़ा लेते हैं। इसको कहाँ से बढ़ाना है, देखिए दोनों में से कौन सा हिस्सा इसके अंदर जाता है वो देख लेना है।
अब ये जो हिस्सा यहाँ से हल्का खींचकाते यहाँ से बढ़ाते, ठीक है, ये देख सकते हो। इन दोनों को ऐसे पकड़ लिया, पकड़ने के बाद इसको यहाँ पकड़ लिया, तो आप देख सकते हो लगभग देखिए बराबर हो गए दोनों हिस्से, ये वाले हिस्से। अब इसको भी लेते हैं इसके बाजू में, तो एक तरफ का हिस्सा अपना पूरा हो चुका है। अब क्या करते हैं, दूसरा हिस्सा बनाना है। दूसरा हिस्सा बनाते समय ध्यान रखने वाली बात है, जो पहली गठान ये वाली, तो ये वाला हिस्सा हमेशा ऊपर तरफ होना चाहिए, जैसे अभी है, पलटी लग के नहीं करना, नहीं तो क्या होगा, जब दूसरा हिस्सा बनेगा सेम टू सेम ऐसा, तो एक हिस्सा इस टाइप का हो जाएगा, दूसरा हिस्सा इस टाइप का हो जाएगा। ये विशेष ध्यान में रखने वाली बात है, तो हमेशा ये वाला हिस्सा ऊपर होना चाहिए। अब हम क्या करते हैं, जो सामने वाला हिस्सा है इसको तो वैसे पैर में पकड़ना चाहिए, बैठ के करना चाहिए, पर मैं इसको एक तरफ अटका देता हूँ, उसके बाद हमें यहाँ सेम ऐसी गठन लगाने में सुविधा हो जाएगी, तो फटाफट इसको मैं एक बार बांध देता हूँ। तो लीजिए दोस्तों, चारों हिस्सों में से जो सबसे लंबा हिस्सा था हमने एक जगह अटका दिया है। अब चलते आगे और देखते हैं सेम इस टाइप की गठान मोहरी के दूसरी तरफ किस तरह से लगानी है। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले ध्यान दीजिए, जो बीच वाला हिस्सा है इस हिस्से से ये वाला हिस्सा डबल कर लेना है। तो यहाँ पकड़ लिया और ऐसे उठाकर इसके पीछे वाले हिस्से के ऊपर पकड़ लिया, तो ये हो गया डबल। डबल करने के बाद जो बाहर की रस्सी, ये वाली रस्सी बाहर की, ये अंदर की, तो बाहर की रस्सी के इस तरफ यहाँ एक छोटा सा ऐसे लूप बनाना है। दोबारा देख लीजिए ये लूप किस टाइप से बना हुआ है, ये लूप बन गया। लूप को यहाँ बढ़िया से पकड़ना है, आखिर तक नहीं छोड़ना है, और जिस रस्सी का लूप बनाया, इस रस्सी का ये जो सामने वाला हिस्सा है, अब इससे होगी बुनाई। बुनाई कैसे होगी, सबसे पहले तो इसी रस्सी का अगला हिस्सा पकड़ लेते हैं, देखिए ये वाला, ये पकड़ने के बाद अब यहाँ पकड़ लीजिए ऐसे, और ये जो हिस्सा ये, इसको पकड़ लीजिए छोटे उंगली के बीच में, ठीक, ये हिस्सा पकड़ लिया, ये जो रस्सी बाहर निकली उसका, इसके ऊपर डाल देना है। डालने के बाद फिर इसके ऊपर से डाल देना है ऐसे, और इसके बीच में से बाहर निकलना है, ये देखिए ऐसे, यहाँ से डाल दिया, इधर से बाहर कर दिया, ऊपर से डाल दिया, और फिर बीच में से बाहर कर दिया, तो ये लग गई कौड़ी गांठ। इसे कहते हैं स्क्वायर नट या रिफ नट। अब इसको क्या करना है, ये हिस्सा खिसकाते हुए पूरी तरह से इस टाइप बाहर निकाल लेना है। तो पहले इसको बाहर निकाल लेते हैं, तो देख सकते हैं दोस्तों रस्सी यहाँ से घूमते हुए यहाँ से पूरी तरह से बाहर निकल चुकी है। अब ये रस्सी बाहर निकल गई, इसको क्या करना है, इसके नीचे डाल देना है, यहाँ से इसके नीचे डाल देना है, और यहाँ से बाहर खींच देना है, ठीक। कुछ ऐसे खींचने के बाद अब इस रस्सी को इसके ऊपर तरफ डाल देना है, तो इसका सामने वाला हिस्सा पकड़ लेते, इसके ऊपर तरफ डालते, और यहाँ से इन दोनों के नीचे से ऐसे बाहर खींच देते। काफ़ी आसान तरीका है, एक बार अगर आप करके देख लोगे तो आपके समझ में आ जाएगा। और यहाँ आखिरी में टाइट कर देना, यहाँ देखिए ये हो गया टाइट, एक हिस्सा बन चुका है। इसी तरह से सेम दूसरे हिस्से को लॉक कर देना है। उसके लिए क्या करना है, यहाँ उंगली में पकड़ लिया, सेम इसी रस्सी का सामने वाले हिस्सा पकड़ लिया, ऊपर से डाल दिया, डालने के बाद फिर इसके ऊपर से डाल देना है ऐसे यहाँ, और इन दोनों के बीच में से खींचना है। देखिए काफ़ी आराम से बता रहा हूँ, यहाँ ऊपर डाल दिया, नीचे से फिर ऊपर, और बीच में से बाहर खींच दिया। तो देख सकते हो आप सेम पहले जैसी कौड़ी गठान या रिफ नट स्क्वेयर नट यहाँ लग चुके हैं। अब सेम पहले जैसे ऐसा खिसकाते हुए यहाँ से बाहर निकाल देना है। तो देख सकते हैं बिल्कुल पहले जैसे हमने रस्सी को खिसकाते हुए बाहर निकाल दिया है। अब क्या करना है, जैसे हमने इस रस्सी को इसके नीचे से बाहर निकाला था, उसी तरह से इस रस्सी को अब इसके नीचे से और यहाँ ऊपर निकाल देना है। तो ये डाल दिया इसके नीचे से और ऊपर तरफ यहाँ निकाल लेते, पहले ऊपर निकाल लीजिए फिर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये निकल गया ऊपर, यहाँ पकड़ लिया इसके नीचे से और इसके ऊपर तरफ निकाल दिया। अब दोबारा इसके ऊपर से और इनके बीच में डालते हुए बाहर तरफ निकलना है, यहाँ देखिए, ठीक है, ये गठन लग गई। यहाँ से गया नीचे से इन दोनों के, फिर ऊपर से घूमते हुए यहाँ से और पीछे तरफ खींच दिया, तो दूसरा हिस्सा भी हमने यहाँ लॉक कर दिया, ठीक है दोस्तों। ये दोनों हिस्से यहाँ लॉक हो चुके हैं, दोनों के ऊपर कौड़ी गठन लग चुके हैं। अब इस रस्सी का काम थोड़ी देर के लिए खत्म हो चुका है। अब जो रस्सी यहाँ बैठी हुई थी इसको लेना है, इस रस्सी के नीचे तरफ से लेना है ऐसे, नीचे लेने के बाद पूरा बाहर निकाल लीजिए, ये हो गया। इसके बाद इस रस्सी को इसके ऊपर से डालना है, इसके बीच में से इसके बराबर निकाल देना है, ऊपर से डाल दिया और इसी के साथ बराबर ऐसे खींच कर बाहर कर देना है। तो आप देख सकते हो दोनों रस्सियाँ एक साथ बाहर निकल चुकी है। अगर दोनों रस्सियाँ एक साथ बाहर नहीं आती तो समझ लीजिए वो गठान गलत हो रही है, एक साथ बाहर निकलनी चाहिए। तो यहाँ देख सकते हो एक दो तीन हिस्से बन गए,
पहले गठन में चार हिस्से, अब हमें चौथा हिस्सा बनाना है। तो चौथा हिस्सा आपने हाथ में पकड़ा हुआ है, इसको पकड़ना है, इन दोनों रस्सियों को उठाना है, ऊपर से डालना है, नीचे तरफ निकाल देना है। ऊपर से यहाँ दोनों रस्सियों को डाल दीजिए ऐसे आराम से, और नीचे तरफ खिसकाते हुए निकाल दीजिए, ठीक है। और धीरे धीरे गठन को अब टाइट कर देना है ऐसे। तो आप देख सकते हो सेम पहले जैसी चार सिरे वाले गठन यहाँ लग चुकी है, एक दो तीन और ये चार। अब इसके बीच में जो भी रस्सियाँ ढीली है उसको खिसकाते हुए टाइट करना है, और मोहरी को एक बार बढ़िया से सेट कर देना है। जो हिस्सा लूज है उसको टाइट करना है, जो टाइट ज़्यादा है उसको लूज कर लेना है। रस्सी एक ही है तो रस्सी घूमते घूमते कहीं ना कहीं वो बाहर निकल जाएगी। तो एक बार मैं इसको बढ़िया से सेट कर लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगा दोनों गठने किस टाइप से बिल्कुल 101% बराबर दिखती है। तो लीजिए दोस्तों, सभी गठानों को सेट करने के बाद मोहरी कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है। एक बार मैं आपको दिखाना चाहूँगा इसको किस तरह से पहनाना है। तो करना क्या है, ये जो दो गठाने हैं ये रहेगी जानवर के नाक के ऊपर तरफ से, और नीचे वाला हिस्सा रहेगा मुंह के नीचे तरफ से। इस तरह से इसको पहनाना है, एक हिस्सा जाएगा कान के पीछे से और गर्दन के ऊपर, दूसरा हिस्सा दूसरे कान के नीचे से और गर्दन के ऊपर बांध देना है। तो बांधने का तरीका आपको समझ में आ गया होगा। और रही बात दोनों तरफ के गठानों की, तो मैं बताना चाहूँगा 101% दोनों गठाने बिल्कुल सेम है, चाहे आप उसको सामने तरफ से देख लीजिए या फिर पीछे तरफ से देख लीजिए। उसी तरह से जो बीच वाली कौड़ी गठाने इसका भी ऐसी, दोनों गठाने बिल्कुल सेम है। तो चलिए आज के एपिसोड में बस इतना ही। आपको ये मोहरी कैसी लगी, मोहरी बनाने का तरीका कैसे लगा, गठाने कैसी लगी, इसके बारे में कुछ सवाल है कुछ सुझाव आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं। आने वाले एपिसोड के अंदर हमको क्लियर करने की कोशिश जरूर करेंगे। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को दबाकर ऑल पे जरूर क्लिक करना दोस्तों, क्योंकि नेक्स्ट जो एपिसोड आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलता रहे। हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में इसी तरह और एक रोपटेक्निक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, और मेरे साथ बोलिए जय जवान जय किसान।